हेलो, वेलकम टू आवर चैनल शिखा अर्पिताज इनबॉक्स। आज हम इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से गोल्डन रोजेस बनाना सीखेंगे। इस शीट की लंबाई हमको 35 सेंटीमीटर रखनी है और विड्थ इसकी रहेगी 2 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रिप का जो पहला कॉर्नर है, इसको पकड़ के आपको एक छोटी सी कोन बनानी है। इस तरह से मोड़ते हुए इसको नीचे लेकर आएंगे। ये देखिए, इस तरह से कोन बनानी है। देन इसको इस तरह से पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है। ये देखिए, अगेन इसको वापस से अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करके इसको घुमाते जाना है। ये देखिए, थोड़ा सा रोज का शेप आने लगा है। ये देखिए, थोड़ा टाइट से पकड़िएगा, स्लिप होता है इसमें। ये देखिए, रोज का शेप आने लगा है। अब देखिए, ये रोज पूरा बन चुका है। इसका जो लास्ट वाला कॉर्नर है, ये देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से फोल्ड करके नीचे जाके अब अपन को ये पूरी लेयर्स को स्टिक करना है। स्टिक करने के लिए मैं ये फेविक्विक जेल का यूज़ करूँगी। अब इसकी हर एक परत पर आपको ये जेल लगाना है और इसको इस तरह से दबाते चले जाना है। पूरे राउंड में आप लगाते जाइए और इसको इस तरह से प्रेस करके दबाते जाइए। अब देखिए, ये रोज बन के तैयार हो गया है। इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए फेविकोल और गोल्डन भस्मा। इसके ऊपर सरफेस पे थोड़ा सा फेविकोल अप्लाई कीजिए। और इसको पूरी तरह स्प्रेड कीजिए। अब इस पर भस्मा आपको छिड़कना है। ये देखिए, अब इसके बाद इसके लिए एक स्टिक तैयार करेंगे। स्टिक तैयार करने के लिए मैंने ये झाड़ू की एक सीक ले ली है। इस पर सबसे पहले इसकी सरफेस पर फेविकोल अप्लाई करना है। देन इसके बाद आप सरफेस पर हमें फेविकोल अप्लाई करना है। देन इसके बाद ये जो भस्मा है वो इस पर स्प्रिंकल करना है पूरे इसमें अच्छे से। तो देखिए, ये पूरा ऐसे गोल्डन हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इस पर और भस्मा अप्लाई करना है ताकि ये पूरी तरह से गोल्डन दिखे। अंदर का जो लकड़ी है वो नहीं दिखनी चाहिए। दोनों तरफ अप्लाई कीजिएगा।
जब इस तरह ये पूरा भस्मा इस पे चिपक जाएगा, इसको थोड़ा ड्राई करने रखेंगे, सूखने के बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा। देन इसके बाद ये जो आपने रोज़ बनाया है, इसके पीछे जब हमने कोन बनाई थी, आपको याद होगी सबसे पहले हमने एक छोटी सी कोन बनाई थी, ये देखिए इस पे छोटा सा होल है, आपको इसी में अंदर तक अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखिए अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा।